शुरू शुरू में हम लोग कंगन में थे जी। कंगन से सीओ साहब बोले कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए चलो, गाड़ी पर बैठो अब चलो। यहाँ से हम लोग सार सामान अपना हाथ में हथियार झोला पोछ लेके गाड़ी में बैठ के कारगिल गए। कारगिल से आगे बढ़े बटाली के पास, तो बीच में फायरिंग शुरू है, बमपार हो रहा है। इसके बाद रात भर हम लोग रोड साइड में बटाली में रहे। कल होके सीओ साहब कहा कि चार्ली कंपनी 5-6 गो दुश्मन है उग्रवादी से, उस पर 9 प्लाटून अटैक करेगा। तो हम लोग 5 बजे मार्च कर गए। कितने लोग थे आप लोग? हमारा कंपनी था, कितने लोग? सब कंपनी में, हर कंपनी में 20 गो 22 गो होता है, तो अलग अलग सब कोई जाता है। किस रेजिमेंट में थे? बिहार रेजिमेंट में। पोस्टिंग कहाँ? कांगल में, कश्मीर कांगल में। 21 साल की बात है कंपनी? कौन सी? यही जो बता रहे हैं। 99। फिर आगे क्या हुआ? हम लोग गए अटैक में, गए तो अटैक में गए तो वहाँ देखे 10-12 पाकिस्तानी को। तो हम लोग कहे कि और आदमी चाहिए, सीओ के पास रिपोर्ट पड़ा, तो मेजर शर्मानंद को सवेर में भेज दिया। इसके पहले वो पाकिस्तानी नीचे ऊपर से नीचे होके जा रहा था अपना पोस्ट पर, हम और शिवदत्त शर्मा उसको मार दिए थे फर्स्ट में। उसके बाद एक जवान कहा कि अब तमाशा देखो, मैंने गोली चल गया तो अब तमाशा देखो। तो पाकिस्तान है ना अपने अपने। तो हम उठा के झोला पोछ हथियार ले आए, सूबेदार साहब को दे दिया। उसमें पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड था, पाकिस्तान का पोस्ट था। इसके बाद सवेर में जब शर्मानंद साहब आए तो RCL से 2 गो फायर, एगो हवा में एगो बैंकर में। इसके बाद चारों तरफ से गिरने लगा गोला गोली चारों तरफ से। उसी में हम थे, मेजर शर्मानंद थे, गणेश यादव था और कुछ जवान थे, ऑपरेटर था। मेजर साहब बोल रहे थे कि ऑर्डिनेंस में गोली नाम से बनता है, वो पहले ही से ऑर्डिनेंस में नाम पड़ जाएगा कि फलना को लगना। मेजर साहब बोले तो आगे तनिका बढ़े ना, गणेश यादव को गोली लग गया, गणेश यादव फील्ड पट्टी हम ही समाए हैं मेजर साहब उसको करने के लिए। अब फील्ड पट्टी किए हैं, अब फिर मेजर साहब रिटर्न आए हैं, कहा कि सुरेंद्र बोलो कहाँ पोजीशन ले। हम कहिए उसी जगह लेट जाइए, उनको भी गोली लग गया मेजर साहब को, उसी जगह लेट जाइए। मेजर साहब लेट गया बेचारे, गोली लगा हुआ था, उश्वास चल रहा था। तो सेठ वाले से पूछे सीओ साहब मेजर साहब कैसा है, तो वो बोला कि नायक सुरेंद्र सर है उनके साथ से, तो पूछो। तो हम बोले कि खत्म है मेजर साहब, बता दिए खत्म है। तो कहे कि नायक सुरेंद्र को कहो पीछे लाने के लिए। मिलिटेंट अब्दुल्ला था, उसको हम कहे कि अब्दुल्ला सीओ साहब कह रहा है कि लाश को पीछे ला, वो लेकर चला है। तो उसको भी लग गया गोली, लेकिन जांघ में लगा सब। अच्छा, जांघ में लगा, किसी तरह नीचे उतर गए। फिर आप कैसे कैसे बचे? उनको लगा बिहान होके हमको हाथ में लग गया गोली दहिना बाजू में। इसके बाद हम वो अस्थिर हो गए कुछ। उस समय तक कितने लोग आप लोग थे? एक पूरे थे हम, कंपनी थे। अब जब इसमें कितने लोगों को गोली लग चुकी? देखिए लड़ाई के दौरान कोई किसी को नहीं देखता है, आप अलग है हम अलग है। अच्छा, हम कैसे बचे कैसे मारे? नहीं, आपके साथ के कितने लोग शहीद हुए? उस समय तो दो था, दो लोग शहीद हुए।
लेकिन जहाँ पे झड़प हो रही थी तीन आदमी वहां से पाकिस्तान की क्या होगी दूरी? ज्यादा न था तो दिखता था पाकिस्तान। हाँ, जैसे यह है ना, इस जगह दुश्मन है, हम इस जगह सुनिए ना हम इस जगह है, इस जगह से सामने हम चले हैं, ऐसे धके ऐसा ही है, इस जगह आ गए हैं। अच्छा, इसी जगह पाकिस्तानी है, इसी जगह, और उसके रात में क्रॉस किए हैं सामने से, बैंकर से क्रॉस किए हैं सामने से। आपके पास कौन सा हथियार था? इंसास था। अच्छा, वो लोग के पास देखने हम गए। जो मतलब फायरिंग का अंदाजा फौजी है, आवाज से और चीजों से अंदाजा हो जाता है। मोटर भी चल रहा था उस सब का। जो गोला मार रहा था 81 के इंसास के, सब तक गोले इधर से चल रहा था उधर से चल रहा था।